नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का गोल्डन फ्यूचर पे। दोस्तों 8 अप्रैल 2018 को जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा 8 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी, उसकी आंसर की जो है 6 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई। आंसर की मिलाने के बाद जो कट ऑफ निकल कर आ रही है, जो उसका सटीक विश्लेषण जो है हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। कट ऑफ जो है कम जाएगी, इतनी कम कट ऑफ क्यों जाएंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जो मुख्य परीक्षा इसकी कब होगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा इसकी कब ली जाएगी, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो जो कट ऑफ लोगों को बात करने पर लोगों के मार्क्स देखने के बाद जो पता चले हैं कि कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम रहेगी। पहले हम पिछले वर्ष के कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले वर्ष जो 2014 की प्रारंभिक आरओ 2014 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी 142 मार्क्स गई थी आउट ऑफ 200, यानी 200 में 142 मार्क्स गई थी ये। और ओबीसी की कट ऑफ 1 मार्क्स कम 141 गई थी और एससी की कट ऑफ 128 गई थी। तो हम जनरल पे मार्क पे क्लिक करते हैं। तो इस पर हम अगर डिस्कस करें, ये कट ऑफ थोड़ी सी ठीक ठाक थी। ठीक ठाक इसलिए थी कि यहाँ पर पहली बात है कि माइनस मार्किंग नहीं थी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग जो है 2014 के कट ऑफ 2014 के आर ओ के पेपर में जो है माइनस मार्किंग नहीं थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ थी ये जो टोटल कट ऑफ आए थे ये 650+ सीट के लिए आए थे, यानी 635 यानी 650 सीट जो है टोटल थे उस पर ये कट ऑफ निकल कर आई थी 142 मार्क्स विदाउट माइनस मार्किंग। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि जो हिंदी के पेपर थे, हिंदी के पेपर जो हुए थे 2014 की हम बात करें, हिंदी के पेपर जो 2014 में हुए थे वो थोड़े से 2017 के कंपेरिजन में बात करें तो थोड़े इजी थे। और मैक्सिमम लोगों के जो मार्क्स थे 50+ थे, मैक्सिमम लोगों के मार्क्स 50+ थे, इस वजह से कट ऑफ जो है 142 चली गई थी। और 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में जो पेपर हिंदी का था तो थोड़ा सा 2014 के कंपेरिजन में थोड़ा सा हार्ड था। तो इस बार जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो 40-50 मार्क्स के बीच में है, 40-50 मार्क्स के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट जो हिंदी के पेपर में है। जीएस एज ए मॉडरेट, मान लीजिए जीएस जो है सेम कंडीशन थी, तो इस वजह से हिंदी का पेपर भी मेन रोल प्ले करेगा, ठीक है। इसके अलावा माइनस मार्किंग मेन रोल प्ले करेगा, इसके अलावा कुल सीट्स की संख्या जो है मेन रोल प्ले करेगी आरओ 2017 के कट ऑफ के लिए। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं कि कितनी जा सकती है, टोटल सीट कितनी है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कुल सीट जो है आरओ 2017 में कितनी है। देखिए अगर हम बात करते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ 2017 की, तो जो टोटल सीट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो सीट पता चली है वो 840 सीट है। 840 सीट जो है टोटल इस समय वर्तमान में है। जो परीक्षा जब 8 अप्रैल को हुई थी तो टोटल उस समय 465 सीट के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला था, 465 सीट के लिए ही परीक्षा 8 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। तो इसमें जो इस समय वर्तमान में सीट जो बढ़कर हो गई है, टोटल बाद में 300 सीट के आसपास बढ़ी थी, तो 840+ सीट बताई जा रही है कि 840 सीट के आसपास जो है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के पोस्ट हैं। अब इसमें कितने पोस्ट आरओ के हैं, कितने पोस्ट एआरओ के हैं, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो ये क्लियर होगा तो उसको आपको बता दिया जाएगा। इसमें जो एआरओ की सबसे अधिक पोस्ट है जिसके लिए ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा गया था, ठीक है, और आरओ की पोस्ट थोड़ी सी कम है। अब कितनी है ये क्लियर नहीं है टोटल। तो इस हिसाब से अगर हम कट ऑफ की प्रेडिक्ट करते हैं, तो कट ऑफ अगर देखते हैं तो जो जनरल है, जनरल की कट ऑफ जो है 112 से लेके 115 मार्क्स के बीच में जो है कट ऑफ जा सकती है आउट ऑफ 200, क्योंकि 140 के आपके जीएस हैं इसमें और 60 जो है हिंदी है। टोटल 200 में से जो है कट ऑफ, जो जनरल की कट ऑफ जो जा सकती है वो 112 से लेकर 115 मार्क्स के बीच जा सकती है। क्योंकि रीज़न है कि सबसे बड़ी बात है यहाँ पे माइनस मार्किंग, कुल सीटों की संख्या, इसके अलावा पेपर थोड़ा सा पिछले जो एग्ज़ाम 2014 का आरओ का पेपर हुआ था उससे थोड़ा सा एबव होना। इसके अलावा अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ भी लगभग जो है सेम ही जाएगी, 112 से लेके 115 मार्क्स के बीच में कट ऑफ जो है जा सकती है जनरल ओबीसी की सेम। इसके अलावा हम एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो एससी कैंडिडेट की जो कट ऑफ जा सकती है वो 108 से लेके 112 के बीच में जा सकती है, इससे कम भी हो सकती है, यानी 105 तक भी जा सकती है, लेकिन 108 से 112 तक जो है एकदम सुरक्षित
आप असुरक्षित हो सकते हैं। अगर हम एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की, तो उसकी कटाव जो है एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी की कट ऑफ जो है 105 से 108 मार्क्स के बीच में, और इससे भी कम 100 मार्क्स तक भी इसकी इनके कट ऑफ जो है जा सकती है एसटी की, लेकिन 105 से 108 तक बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे गर्ल्स की, फीमेल की अगर बात करें, तो फीमेल की कट ऑफ भी 105 से 109 के बीच में जा सकती है। फीमेल की कट ऑफ जो है 105 से 109 के बीच में जा सकती है। अब यहाँ पे जो भी कट ऑफ बनेगी, जो भी कट ऑफ लोक सेवा आयोग द्वारा बनाया जाएगा, अभी तो आपत्ति मांगी गई है 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में, और आपत्ति देने के बाद जो इसका निस्तारण करके और ये जो तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आंसर की अपलोड करेंगे। इन्होंने टोटल अगर बात करें तो टोटल 4 प्रश्न को इन्होंने डिलीट किया हुआ है, 4 प्रश्न जो है, 4 क्वेश्चन को इन्होंने डिलीट किया हुआ है। तो जब भी कट ऑफ बनेगी 196 पे बनेगी। अभी आपत्ति मांगी गई है, अभी आपत्ति देखते हैं तो और कितने प्रश्न ये हटाते हैं या जोड़ते हैं, तो वो तो बाद में क्लियर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट ये डिक्लेयर करेंगे। कट ऑफ देखिए इतनी ही जाएगी या तो इससे कम जाएगी, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जा सकती। अगर आप 112 से ऊपर हैं, अगर 112 प्रश्न या 110 प्रश्न एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 105 से प्लस हैं, तो आराम से मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम मेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो देखिए मेंस एग्ज़ाम जो लोक सेवा आयोग द्वारा मेंस एग्ज़ाम आर ओ का जो प्रस्तावित है वो 26 या 27 नवंबर के आसपास जो है प्रस्तावित है इनके कैलेंडर में, ठीक है, 26 या 27 नवंबर को। तो अब यहाँ पे देखना है कि ये अगर रिजल्ट 20 अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर एंड तक डिक्लेयर कर देते हैं, 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर तक अगर ये डिक्लेयर कर देते हैं रिजल्ट, तो चांसेस है कि 26-27 नवंबर को मेंस एग्ज़ाम हो सकते हैं। अगर ये डिक्लेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिले करते हैं, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस है, जो कि बहुत कम उम्मीद है कि पोस्टपोन होगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग एसीएफ मेंस एग्ज़ाम से 10 सितंबर को एसीएफ मेंस इन्होंने करवा दिया तुरंत रिजल्ट दे के 10 दिन के अंदर में। इसके अलावा 23 सितंबर को जीआईसी का पेपर इन्होंने करवा दिया, 30 सितंबर को होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के पेपर इन्होंने करवा दिए जो कैलेंडर में प्रस्तावित है ऑलरेडी। तो अब उम्मीद की जा रही है कि 26-27 नवंबर को आरोप मेंस का एग्ज़ाम ये करवा देंगे, ठीक है। रिजल्ट जो है 20 से 25 अक्टूबर के आसपास जो है आने की संभावना है। तो अगर आप इतने मार्क्स के बीच में अगर आ रहे हैं तो आप जो है मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है टोटल सीट जो 840 है, अगर सीट आर ओ ए आर ओ की कन्फर्म होती है तो उसको हम यहाँ पर आपको क्लियर करेंगे। और दोस्तों फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।